नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश भार्गव। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कही अनसुनी कहानियों की जो राजाओं महाराजाओं से जुड़ी हुई हैं। आज की तारीख में ये राजा महाराजा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी विरासतें आज भी मौजूद हैं, जो भारत की समृद्धि की गाथाएँ गाती नजर आती हैं। आज हम बात करेंगे 1950 साल से भी ज़्यादा पुराने नागवंशीय राजाओं की। ये राजा आज यहाँ नहीं है, लेकिन इनकी विरासत आज भी मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये रातू स्थित रातू महाराज का किला है। लगभग 22 एकड़ में फैले इस किले का निर्माण 1899 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट की देखरेख में शुरू हुआ, जो 1901 में बनकर तैयार हुआ। इस किले को नागवंशीय राजघराने के 61वें शासक प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था, जिन्होंने काफ़ी शिद्दत से प्रयास किया और तब जाकर लाल ईंटों से सजी इस किले का निर्माण संभव हो पाया था। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह किला लगभग 22 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और तो इस दो मंजिले किले में एक कुल 103 कमरे हैं। साथ ही साथ जो राजाओं महाराजाओं का ऐश्वर्य हुआ करता था, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, जो यह बताती हैं कि भारत के अन्य राजाओं की तुलना में यदि बात करें तो छोटा नागपुर राजघराना अपने आप में बेहद समृद्ध था, बेहद शक्तिशाली था। हालांकि इस राजघराने को फकीरी गद्दी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के उदार शासक अपने लोगों से, अपने रैयतों से कभी लगान नहीं वसूला करते थे, जिसकी वजह से इस राजघराने के इस विरासत को फकीरी गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल आज की तारीख में यह भारत का एक अमूल्य धरोहर है, जो आज भी उसी शान से भारत के राजाओं महाराजाओं की गाथा गाता नजर आता है, जिस शान से 1901 में यह बनकर तैयार हुआ था। आज भी इसकी मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सदियों बीतने के बाद भी इस किले की रिपेयरिंग की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, समय समय पर इसका रंग रोगन जरूर कराया जाता रहा। आपको बता दें कि नागवंशीय शासन की स्थापना इसके पहले राजा महाराज फणी मुकुटनाथ शाहदेव ने किया था। उससे पहले यहाँ मुंडाओं का राज हुआ करता था, सुतियांबेगढ़ मुंडाओं का किला हुआ करता था और मुंडाओं के राजा महाराजा मदरा मुंडा को लाल फणी मुकुटनाथ शाहदेव अनाथ अवस्था में प्राप्त हुए थे, जिनकी रक्षा एक नाग करता नजर आया। और उसके बाद महाराजा मदरा मुंडा ने लाल फणी मुकुटनाथ शाहदेव का लालन पालन किया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके बाद इस नागवंश की स्थापना हुई। और चूंकि महाराजा की रक्षा एक नाग के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए इस शासक परिवार ने खुद को नागवंशी घोषित किया। इन राजाओं के ऐश्वर्य की, ताकत की, समृद्धि की का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप तस्वीरों में देखिए, आज भी यहाँ वे सारे अवशेष मौजूद हैं जो इनकी समृद्धि की गाथाएं कहते हैं। यह यहाँ कुछ जंजीरें नज़र आ रही हैं, जिन्हें देखने के बाद आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जंजीरें हाथियों को बांधने के काम आया करती थीं। ये मोटी मोटी जंजीरें हैं जिनमें हाथियों को बांधा जाया करता था। आप देख सकते हैं आज भी महाराज के किले के प्रवेश द्वार पर तोपें रखी हुई हैं। ये वो तोपें हैं जिन जो ऐश्वर्य और ताकत की गाथा गाती नज़र आती हैं। आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2014 में इस नागवंशीय शासक घराने के अंतिम महाराजा लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव की मृत्यु के बाद अब इस किले में एकमात्र उनकी पुत्री ही निवास करती हैं, माधुरी जी निवास करती हैं। इससे पहले उनके पुत्र लाल गोपाल शरण नाथ शाहदेव, जो कभी हटिया के विधायक हुआ करते थे, उनकी भी असमय ही मौत हो गई, जिसके बाद यहाँ का ऐश्वर्य तो बच गया, लेकिन एक सूनापन, एक खालीपन जरूर रह गया। आपको बता दें कि इस नागवंश की कई खासियतें रहीं। यहाँ के राजा कभी भी राजगद्दी पर अपनी ताजपोशी नहीं कराया करते थे,
बल्कि राजगद्दी हमेशा खाली रखी जाती थी और यहाँ के महाराजाओं का मानना रहा कि जनता ही सर्वोपरि परि है, रैयतों को अपना बड़ा भाई माना करते थे। इस वजह से जनता के मन में अपने महाराजाओं के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा रही। ये इस रातू किले की अद्भुत कहानी है। आप देख सकते हैं कभी यहाँ मेले लगा करते थे, खासतौर से जगन्नाथपुर रथ मेला के वक्त यहाँ भी रथ मेले का आयोजन हुआ करता था। दुर्गा पूजा के समय यहाँ काफ़ी भव्य स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ करता था, लेकिन अब पूजा पाठ और रथ यात्राएँ तो निकलती हैं, लेकिन महाराजा के होते हुए जो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिला करती थीं अब नहीं दिखती। कहीं ना कहीं उनकी कमी यहाँ के लोगों को ज़रूर खलती है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह जाती है कि यदि उनके महाराजा उनके बीच होते, उनके साथ होते तो शायद कुछ और बात होती। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इस महल की देखरेख के लिए बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं, जिनके रहने के लिए यहाँ बाहर व्यवस्था की गई है, क्वार्टर्स बनाए गए हैं। ये क्वार्टर्स भी काफ़ी मजबूत हैं। यहाँ मंदिर है, मंदिर में लोग आते हैं दूर दराज से पूजा अर्चना करने के लिए। इस तरह से भारत के अमूल्य धरोहरों में यह रातू का किला भी शुमार करता है और इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग चलकर आया करते हैं। रांची डाल्टनगंज मार्ग पर स्थित इस किले में ऐश्वर्य की तमाम वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनकी कल्पना या तो हम कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में देखा करते हैं। रातू महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो अमूल्य धरोहर भारत को दिया वह हमेशा हमें हमारे पास मौजूद रहेगा और उनके प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा हमेशा बनी रहेगी। जेके न्यूज़ नेटवर्क की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी आपको ऐसी ही अमूल्य चीज़ें, अमूल्य धरोहर और अन्य विरासतों से रूबरू कराते रहेंगे, परिचित कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।